आशा की गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे। कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। सोचा कि प्रातः सरिता का जल अधिक शीतल होगा, किंतु ये तो वैसा नहीं है। प्रातः सरिता का जल गर्म रहता है, तभी तो सारे ऋषि लोग भोर के अंधेरे में नहाते। अब तो मैं नित्य ही प्रातः नहाऊंगी। पता नहीं संस्कृति की बातों का असर गज्जू पे पड़ा है कि नहीं। वो तो कभी नहीं नहाएंगे। अरे गज्जू काका, बस करो, चलो आज ही सारा महल मत छुड़ा लो। गज्जू को महर्षि बनना है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है नहाने में। प्रातः काल नदी का पानी इतना अच्छा होता है, आज पहली बार पता चला मुझे। आज तो मैं पूरे वर्ष भर के लिए नहा लूंगा। पूरे वर्ष के लिए तो मकर संक्रांति में नहाते हो, आज तो मात्र आज के लिए नहा लो। नहाने दे इसे, नहाने दे, हम चलते हैं। जब कोई मगरमच्छ इसकी ओर दौड़ेगा तब ये पूरे वर्ष के लिए उसका भोजन बन जाएगा। अरे अरे मगरमच्छ, अरे बाप रे बाप, रुको रुको भैया, हमारा भी स्नान हो गया, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अरे गज्जू, माता मालिनी के जल में मगरमच्छ नहीं होते, यह आचार्य शुक्र के प्रताप का फल है। चलो फिर, आज हम भी उनके शिष्य हो गए। हाँ हाँ, शीघ्र चलो, निकलो यहाँ से। शीघ्र चलो, नहीं तो सारे बालक और पुरुष आगे बैठ जाएंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। हाँ ठीक कहा तुमने, और हमें तो आगे ही बैठना है। हाँ और क्या, जब शिक्षा लेना है तो अच्छे से ली जाए। हाँ और क्या, फिर हम भी बड़े ऋषि अथवा राजमाता बन जाएंगे। अरे काकी, संस्कृति भैया का ये कहना नहीं था कि आप राजमाता बन जाएंगी या महारानी? तो क्या कहना था उनका? उनके कहने का तात्पर्य था कि हम सुशिक्षित होकर अच्छे मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसका अर्थ पहले बताना था ना? और क्या, ये बात स्नान से पूर्व नहीं बता सकती थी, कम से कम सुबह सुबह नहाने से तो बच जाते। चलो अब बता दिया, बस अब क्या करोगी? अब काकी जाकर धूल मिट्टी लपेट लेगी। चुप करो, स्नान कर लिया है तो अब चल के शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम ऐसी मूर्ख नहीं है जैसी तुम लोग समझती हो। हम सब समझती है, संस्कृति की बात भी और गुरुदेव का लक्ष्य भी। आसन के लिए ये स्थान उपयुक्त रहेगा। हाँ गुरुदेव, और हम यहाँ बैठेंगे। किंतु गुरुदेव, ये तो महुआ का वृक्ष है, जब इस पर फल लगने के दिन आएंगे तो ऊपर से गिरेगा। हाँ गुरुदेव, महुआ जब गिरता है तो उसके बीज से कोयले से चोट लग सकती है, और तब वो जो सर्प महुए की शत्रुता वाली बात है वो सामने आ जाती है। महुए और सर्प की शत्रुता? हाँ देव, जब रात में महुए के नीचे सर्प घूमता है और उसके ऊपर कोयना गिरता है तो दोनों गाते हुए झगड़ा करते हैं। झगड़ा और गाते हुए? हाँ पुत्री, तुम क्या समझती हो, गीत मात्र मनुष्य गाते हैं। किंतु मुझे महुए का गीत सुनाओ ना। दीप से टपाक से कपार का है फोड़ा, ठेंगे से बूंगे से रात का है डोला। दीप से टपाक से कपार का है फोड़ा, ठेंगे से बूंगे से रात का है डोला। किंतु हम नए गुरुकुल को इसी वृक्ष के नीचे शुरू करेंगे, किंतु अभी तक कोई आया क्यों नहीं? अंग्रेजों के बुलाने पर कोई नहीं आएगा पिताजी, क्योंकि इन्हें कोई महत्व ही नहीं देता। और संस्कृति भैया, बस पूछो मत। देव की जिससे दोस्ती हो जाए वो संसार का सबसे अच्छा मनुष्य है, और जिससे शत्रुता हो जाए, बाप रे, उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। अच्छा, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बुराई?
अरे अष्टक, अपनी बात का तात्पर्य समझाओ ना। हमारी दिव्यानी अनुजा अभी बालिका है, मेरे जैसी बुद्धिमान नहीं। देखा पिताजी, संस्कृति भैया मुझे मूर्ख समझते हैं। इसमें समझने की कोई बात नहीं, लोग मुझे महत्व तो देते हैं कि नहीं ये बात अभी पता चल जाएगी। किंतु मुझे लगता है कि आज मालिनी नदी थोड़ी प्रदूषित अवश्य हो जाएगी। यह मालिनी नदी कहाँ से आ गई? गुरुदेव, आज इस नए गुरुकुल के नए शिष्य स्नान जो कर रहे होंगे। अरे अष्टक, नए शिष्यों ने तो कब का स्नान कर लिया होगा, अभी तो हमारी देव अनुजा उनकी सहेलियों का उठने का समय है, अब तो वही स्नान कर रही होंगी। मेरी सखियां इतनी देर से नहीं उठती, और वैसे भी मैंने उन्हें कल समझाया था। काया और घूर्णी का तुम्हारे समझाने से समझ जाए तो समझ लो, इस संसार में कोई ना समझ बचेगा ही नहीं। पिताश्री, आज दोनों अग्रज मिल गए हैं। हम मिल नहीं गए हैं देव, बल्कि हमने अभी अभी तुम्हारी सखियों को स्नान हेतु जाते हुए देखा है। क्या? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। हे ईश्वर, लगता है तूने भृगु वंश का संपूर्ण स्वाभिमान हमारी देव में भर दिया है। अब काया और घृणिका की क्या दशा होगी ये तो देव ही जाने। अब मैं बस करूं? बस तो देव करेगी। कैसे बोल रही थी तू कल? मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा लेती हूँ। और देख, ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत दूर गया, अब तो सूर्य उदय के भी चिन्ह नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? सया पे जाते ही नींद आ जाती है, और नींद आते ही सपने आने लगते हैं, और फिर सपनों पे सपने, सपनों पे सपने, ये सपने जाने का नाम नहीं लेते। अब इसमें मेरा क्या दोष है? तेरे किसी कार्य में तेरा कोई दोष नहीं होता है, दोष तो परिस्थिति और ईश्वर का होता है। लो, अब मैंने नहा लिया, मेरे वस्त्र दो। देव को भी नया गुरुकुल चलाने के लिए ना जाने कौन सी आवश्यकता आ गई। ये तू उसी से पूछना। वो तो पूछ लूंगी, किंतु ये बड़े बूढ़ों को शिक्षा देने से क्या लाभ? और शिक्षा ग्रहण करने से क्या इनका वर्ण बदल जाएगा? काया, घृणिका, कहाँ हो तुम दोनों? ये लो देव पुकार रही है। देव, बाप रे, ये नया गुरुकुल वर्ण बदले ना बदले मुझे बदल देगा। चल घृणिका, पहले देव से मिल लूं, तब वस्त्र बदलूंगी। वस्त्र बदलने नहीं तो उसके लिए भी डांट पड़ेगी। हाँ ठीक कहती है, देव वस्त्र। घृणिका और काया, ये दोनों तो अपने कान ही बंद रखती हैं। इनके चलते आज मेरे पिताश्री के सामने मेरे अग्रजों ने मेरा अपमान कर दिया। मेरे अग्रज ठीक कहते हैं कि घृणिका और काया कभी बदल ही नहीं सकती, मैं इन्हें बदलना क्यों चाहती हूँ? किंतु अब ये सब सोचकर क्या फायदा? हम आ गए देव। आओ। मुझे काया के कारण विलंब हुआ, मैं तो समय पर उठ गई थी। वो मुझे क्षमा करे देव, मैं क्या करूं? सपने मुझे उठने ही नहीं देते। पता है पिताश्री आज एक नए गुरुकुल की नींव रखेंगे, किंतु तुम्हारे कारण मैं अपना समय यहाँ क्यों व्यर्थ कर रही हूँ? मुझे क्षमा करे देव, कल से मैं सपने ही नहीं देखूंगी, और तब मुझे देर नहीं होगी। कल की कल सोचना, अभी तुम इस नए गुरुकुल में चलो। चलो चलो। ये प्रेम में क्यों होता है? अब आप लोग शांति से बैठे। गुरुदेव, मैंने आसन लगा दिया, और ये लीजिए आपके लिए जल।
किंतु हमारे देव नहीं आई। वो देखिए आ गई देव। अरे देव शांति से बैठ जाओ और काया घोड़िका तुम दोनों शीघ्र उठा करो हमारे नए शिष्यों की तरह। अच्छे शिष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वो सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करके गुरुकुल में शांति से बैठ जाना जैसे हमारे नए शिष्य करते हैं। अब बस भी करो तुम दोनों, मेरी पुत्री को और लज्जित मत करो। इन्हें बोलने दे पिताश्री, ये बड़े पुराने शिष्य हैं। इन्होंने महर्षि गौतम से शिक्षा ग्रहण की है, पुनः आपसे ग्रहण कर रहे हैं और आगे चलकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इनके जीवन में मात्र एक ही आश्रम की व्यवस्था है और वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। सुन लिया तुम दोनों ने? अब गुरुजी चलो तुम लोग वहां बैठ जाओ। आप सभी का मैं इस नए गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भवा, शिक्षित भवा। हम तो आपका साथ पाकर ही सारी शिक्षा पा गए गुरुदेव। हम आपकी विचारधारा के साथ हैं। और मेरी विचारधारा आप सबके विकास के साथ है। आपके सम्राट हैं महाराज वृषपर्वा। आपकी सुरक्षा और पालन पोषण का उत्तरदायित्व उन पर है, किंतु आपका स्वयं का भी स्वयं के लिए कुछ उत्तरदायित्व बनता है। मैं उसी उत्तरदायित्व के लिए आपको जागृत करना चाहता हूं। समाज का उत्थान शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा ही हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराती है। हे गुरुश्रेष्ठ, यह प्रथम अवसर है कि हमें किसी ने शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया हो। हम आपके आभारी हैं। हम तो आपका आमंत्रण पाकर ही धन्य हो गए गुरुदेव। सत्य के लिए आपके संघर्ष से हम सदैव प्रभावित रहते हैं। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आज से हम आपको सामान्य अध्ययन कराएंगे। मेरे शिष्य सांकृति आपको वेदों के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताएंगे। मेरी पुत्री देवयानी आपको छोटे छोटे वाक्य विन्यास समझाएगी। हम सब पूरे मन से सीखेंगे। दैनिक कर्म नियमबद्ध हो जाएं तो मनुष्य के जीवन में समय अधिक मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषियों की अवस्था सामान्य मनुष्यों से अधिक होती है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो ऋषि मुनि नियमबद्ध जीवन जीते हैं, व्यर्थ की बातों में समय नहीं बिताते, ब्रह्म मुहूर्त से ही उनके दिवस की शुरुआत हो जाती है और वो संसार के उठने से पूर्व भी संसार के कल्याण हेतु बहुत से कार्य कर चुके होते हैं। नियमबद्ध होने से ऋषि मुनि प्रायः रोगों से दूर रहते हैं। Thank you.
ये प्रेम में क्यों होता है। मेरी प्रिय सखी शर्मिष्ठा, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से तुम्हारे लिए कुशलता की कामना करती रहती हूँ। तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, तुम्हें तो मेरी सुध ही नहीं। मैं आजकल बहुत व्यस्त रहती हूँ। मुझे पिताश्री ने एक नया कार्य सौंप दिया है। अब तेरी देव गुरुदेव बन गई है। दैत्य साम्राज्य के उत्थान के लिए पिताश्री ने हर वर्ण के लोगों को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया है और इसका सारा उत्तरदायित्व मेरे गुरु भाई सांकृति और स्वयं मुझ पर है। मैं शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें अपने इस नए गुरुकुल के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ विभिन्न उम्र के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हर कोई सब कुछ सीख लेना चाहता है। पिताश्री हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि न ही कोई राजा है और न ही कोई प्रजा। सच पूछो तो संपूर्ण सृष्टि प्रजा है। प्रकृति के साथ पृथ्वी नारी है और एकमात्र ईश्वर ही दाता है, पुरुष है। किंतु नारी सबसे श्रेष्ठ है। वही जन्म देती है, पालती है और लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। शर्मिष्ठा, मेरे पिताश्री बहुत अच्छे हैं, निसंदेह वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। किंतु वो संसार के सारे जीवों को अपनी ही संतान समझकर प्रेम करते हैं। अब और नहीं लिखूंगी, शेष बातें तुम्हारे मिलने पर ही बताऊंगी। तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, तुम्हारे पिताश्री एक राजा है, उनके कर्तव्य की एक लंबी कतार होती है, किंतु वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए अपार प्रेम देखा है। हम दोनों भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पिता मिले हैं। अरे पगली, मुझे और भी काम करने थे। चल, अब इस लेखने को विराम देती हूँ। तुम्हारी एकमात्र सखी देव। दोनों के पिता सचमुच बड़े महान हैं, किंतु भाग्य में तू मुझसे बहुत पीछे रह गई देव, क्योंकि माता पिता के अतिरिक्त मेरे पास तेरे रूप में एक प्यारी सखी जो है, एक बड़ी बहन जैसी, हमेशा संरक्षण देने वाली।